गाइस आई एम ओजेस्टीन, आपका स्वागत है फिर से ऑल इन वन अपडेटेड चैनल पे। आज मैं आपको सन के बारे में बताऊंगा। अगर सन अचानक से लाइट और हीट प्रोड्यूस करना बंद कर दे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ सन सडनली स्टॉप प्रोड्यूसिंग लाइट एंड हीट? तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सन के बिना इस यूनिवर्स में कोई भी चीज जो है पॉसिबल नहीं रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, बस आप इमेजिन करते चलिएगा, आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर सन अचानक से लाइट और हीट प्रोड्यूस करना बंद कर दे तो सबसे पहले आपको 8 मिनट 20 सेकंड तक कुछ भी पता नहीं चलेगा, सब चीज आपको नॉर्मल लगेगा। बट 8 मिनट 20 सेकंड के बाद आप देखोगे तो आसमान जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा स्टार के साथ। ये पूरा आसमान जो है वो डार्क हो जाएगा तारों के साथ, और आप देखोगे तो इस डार्क आसमान में आपको मून भी नहीं दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मून जो है वो सन की ओर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डार्क आसमान में मून नहीं दिखता, ठीक है ना। हाँ, दूसरी चीज क्या होगी, एक घंटे के बाद पृथ्वी के दूसरे साइड जो लोग रहते हैं वो बिल्कुल शॉक हो जाएंगे कि अचानक से वहां पे क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगी, रात हो जाएगी, और वहां का टेम्परेचर जो है वो गिरने लग जाता है, ठीक है ना। हाँ, फिर अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है, सभी सैटेलाइट का जो चार्जेस है वो खत्म हो जाएगा, और सैटेलाइट के चार्जेस खत्म होने के बाद आपका इंटरनेट, आपका मोबाइल, आपका टेलीविजन, आपका रेडियो, ये सभी चीजें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीज जो है वो सैटेलाइट की वजह से ही चलती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होगा, एनवायरनमेंट पे अफेक्ट पड़ता है। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। और आप सबको पता है, हम सबके लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा ही जरूरी है जीवित रहने के लिए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत होती चली जाएगी, और पेड़ पौधे जो है वो सभी क्या हो जाएंगे, गिरने लगेंगे, ठीक है ना। हाँ, और ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होगा, टेम्परेचर में भी गिरावट आएगा, और टेम्परेचर की गिरावट की वजह से पानी से जितनी भी चीज बनी हुई है वो सभी चीजें क्या हो जाएगी, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, सिटी है, वो सभी चीजें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ऑक्सीजन की कमी से। और एक महीने बाद जो है ये पूरा का पूरा जो पृथ्वी है वो क्या किसमें आ जाएगा, बर्फ में आ जाएगा। तो यही सब चीजें होगी अगर सन अचानक से लाइट और हीट प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, ठीक है ना। हाँ, 8 मिनट 20 सेकंड के बाद पूरा का पूरा जो आसमान है वो डार्क हो जाएगा, डार्क आसमान में हमें मून भी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। हाँ, दूसरी चीज, एक घंटे के बाद पृथ्वी के दूसरे साइड लोग शॉक में होंगे क्योंकि वहां अचानक से रात हो जाएगी। फिर एक हफ्ते बाद क्या होगा, सैटेलाइट का चार्जेस खत्म होने की वजह से कोई भी इंटरनेट, टेलीविजन, सभी चीजें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। धीरे धीरे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और लोगों की वहां पे मौत हो जाएगी। और एक महीने बाद जो है ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो यही है कारण। तो प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए सन की। आपने देखा भी होगा, जो आपके दादा दादी, जो ना नानी होंगे, वो सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार करते हैं कि सूर्य भगवान जी आपका धन्यवाद कि आपने हमें अगले दिन दिखाया, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए सन के रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो भी चीजें पॉसिबल है ना यूनिवर्स में, वो सब चीज सन की वजह से है। सन जो है आपको लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वही चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो कैसी वीडियो लगी आपको, मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी अच्छे टेक्नोलॉजी फैक्ट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए ओके बाय।